My hello to the entire world. Namaste, मेरे lovely subscribers and viewers. कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने परिवार परिजनों का और अपने दोस्तों का ख्याल रखते होंगे. वेलकम बैक टू द चैनल रजनीकांत गैलेक्सी में मेरे इस प्यारे से किचन गार्डन में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं. और ये किचन गार्डन जो है ये स्पाइसेस से या वेजिटेबल से बना हुआ नहीं है, ऑर्नामेंटल प्लांट से बना हुआ है. क्योंकि मेरा ये किचन गार्डन का जो विंडो वाला पार्ट था, दिस वन, तो ये विंडो वाला पार्ट जो है ये काला सा बहुत ही भद्दा सा दिखता था. तो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस काले भद्दे से खिड़की को हरियाली में परिवर्तित करूं और एक सुंदर सा लुक दूं. तो इसीलिए ये किचन गार्डन मैंने बनाया है ऑर्नामेंटल प्लांट से जरूर. और आज का जो दिन है और आज के दिन की जो जर्नी है वो मैंने स्टार्ट कर दी है सुबह से. बने रहिए मेरे साथ गाइस. हम लोग आप ये हमेशा मुझसे पूछते थे कि 363 दिन मैं कैसे स्वस्थ रहती हूँ. मतलब आप लोग तो ऑब्वियसली मेरे डेलीशन ही हो, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे लिए कहीं की यही स्टडी रही थी किस तरह से मैं पूरे साल भर अपने आप को स्वस्थ रहती हूँ. यानी जो सीजनल बीमारियाँ हैं या फिर बुखार हुआ, जुकाम हुआ, गले में खराश हुआ, पेट खराब जो लगे रहता है विमन के जिंदगी में, तो ये सारी चीजें मुझे होती नहीं है कभी. तो ये क्यों नहीं होती है, मतलब इसका बेसिक रीजन क्या है? गाइस आप लोग हमेशा मुझसे पूछते थे कि मैं अपना 363 दिन ख्याल कैसे रखती हूँ. यानी मुझे कोई सीजनल बीमारी नहीं होती है या फिर सर्दी जुकाम बुखार पेट की खराबी गले में खराश इत्यादि और बॉडी में पेन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हमारे जैसी औरतें या लड़कियाँ फेस करती हैं, तो इन सब चीज़ों से मैं वंचित रखती हूँ अपने आप को और किस तरह से साल भर स्वस्थ रहती हूँ, ये आप लोग पूछते हैं मुझसे. तो इसका बेसिक रीजन में से एक रीज़न ये है कि सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद मैं थोड़ा योगा करती हूँ. और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वुमेन के शरीर में जैसे जैसे 16 ईयर्स हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 25, इस तरह से एज जो बढ़ता है तो बढ़ते हुए एज के साथ हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं. तो ये सारे हार्मोनल चेंजेस को बैलेंस करने के लिए योगा एक बहुत ही आवश्यक एक व्यायाम है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करती है. तो इस तरह से मैं अपने आप को स्वस्थ रखती हूँ. गाइस ये सारी चीजें मैं क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ, पता है क्योंकि आप लोगों में से कईयों ने पूछा था मुझसे. तो आजकल होता क्या है कि लोग साइज पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं रादर देन गुड हेल्थ, जो कि बहुत गलत है. और ऐसा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि छोटा शेप और साइज में ही लोग स्वस्थ रहते हैं. लेकिन मैंने ऐसे हजारों मेरे फ्रेंड्स को देखा है, सीनियर लोगों को देखा है जिनका बिल्कुल ऐसा साइज है लेकिन बीमारी से भरा हुआ शरीर है. तो अपने आप को अंदर से स्वस्थ रखना मेन इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद साइज पे आप लोग कंसिडर करो. क्योंकि अगर इनर हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो बिस्तर से उठ नहीं पाओगे, बिस्तर से नहीं उठ पाओगे तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी. तो इसीलिए सबसे जरूरी ये है कि शरीर के जो अंदरूनी हिस्से हैं और शरीर का जो अंदर का जितने भी पार्ट्स है सबको स्वस्थ रखना, खुद स्वस्थ रहना. चाहे आपका साइज कितना है, वेट लड़कियों का 70 से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, मेरा डिफर करता है, कभी 70 कभी 68 इस तरह से होता है, पर उससे ज्यादा मैं होने नहीं देती हूँ और कभी दूंगी भी नहीं. लेकिन हाँ ये है कि बिल्कुल सुखंडी नहीं बनना है मुझे, क्योंकि सुखंडी को पसंद नहीं है और उसने सुखंडी वाले शेप में
लोग बीमार ज्यादा लगते हैं। तो जो भी हो, मुझे अपना जो इनर हेल्थ है उसका ख्याल ज्यादा रखना है, तो इसलिए मैं इस तरह से योगा के पोस्चर्स करती हूँ, ताकि अंदर से हमेशा 365 दिन बिना किसी बीमारी के, डॉक्टर के, दवाई के, डॉक्टर विजिट के स्वस्थ जीवन यापन कर सके। और यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल विराजमान है और सुबह सुबह अभी नहला धुला के बस तैयार किया है, पूरे कपड़े नहीं पहना है मैंने, इनको भोग भी अभी चराना है। और यहाँ पर देखिए मेरी जो माता लक्ष्मी है वो लाल बनारसी में सुसज्जित और विराजमान है। इन्होंने अपने वस्त्र बदले हैं, मतलब मैंने बदला दिए हैं, जो ग्रीन वाली बनारसी थी उसको चेंज करके रेड कलर की बनारसी मैंने पहनाई है। और ज्वेलरी में थोड़ा बहुत चेंजेस मैंने किए हैं, जैसे ये इनके सर के ऊपर देखिए मुकुट टाइप का मैंने बनवाया है जो अच्छा ही लग रहा है, और एक कमर बंधन इस तरह से मैंने इनको पहना दिया है, ये रहा। और इसमें थोड़ा बहुत कुंदन का वर्क किया हुआ है, तो इस तरह से है अभी ये सारे देवी देवताओं का जो कार्यक्रम है, मतलब पूजन प्रक्रिया जो है वो मैं शुरू करने वाली हूँ, अभी तक शुरू नहीं किया है। और कल है झूलन यात्रा, तो ये झूलन यात्रा के बारे में भी मैं बताऊंगी कि क्या है और किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे लड्डू गोपाल के साथ हम लोग झूलन यात्रा। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट में पास्ता बनाया था एक मंजी ने आज, जो कि बहुत ही यमी बना था, और वैसे डेली का ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स और टोस्ट खा के बोर हो चुके थे, तो कभी कभी इस तरह का चेंज भी करना चाहिए। और अभी आज वेडनेसडे है और बुधवार के दिन जो हरा वस्त्र पहनाया जाता है लड्डू गोपाल को, तो लड्डू गोपाल को मैंने वो वस्त्र और मैचिंग पगड़ी पहना दी है और वो इस तरह से विराजमान है अपने स्थान पर। और जन्माष्टमी और कल है झूलन यात्रा, तो दोनों की तैयारियां चल रही है। और मैं अभी कल वाले झूलन यात्रा की तैयारी में थोड़ी सी मशरूफ हूँ, क्योंकि किस तरह से क्या करना है, आप सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी जिनके घरों में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं तो उनके लिए तो हर एक उत्सव को पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपने मतलब जितना भी कैपेसिटी है तो उसके मुताबिक ज़रूर इस उत्सव का पालन आप लोग करें, जरूर अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन जरूर इस दिन को सेलिब्रेट करें, क्योंकि आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, यही आपके लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। दिस इज द इवनिंग लुक ऑफ माई किचन गार्डन, शाम के वक्त ऐसा दिखता है लाइट ऑन होने के बाद। एंड गाइस, अभी हम लोग बैठे हैं खजाना लेकर, मतलब खुलजा सिमसिम वाला जो खजाना होता है वही खजाना है, इससे कम नहीं है। इतना सारा सामान जो बिखरा पड़ा हुआ है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है। ये कल झूलन यात्रा की तैयारियां चल रही है, जी हाँ, वही लड्डू गोपाल को झूले में झुलाना है, नए वस्त्र दिलाने हैं और साज सज्जा भी करवानी है, तो सारा सामान यहाँ पे इस तरह से है, एक एक करके समेटना है। और बन रहा है झूला वगैरह जो हम लोग दोनों मिलकर बना रहे हैं। ये मेरा एक बैग था, ये वाली, ये मुझे मिला था बर्थडे गिफ्ट, लेकिन मैंने इसको कभी यूज नहीं किया था, तो इससे भी कुछ जुगाड़ के माध्यम से लड्डू गोपाल के लिए कुछ मैं अरेंज करने वाली हूँ, जो कि सरप्राइज रहा, कल दूंगी ये सरप्राइज। और ये कैंची है जिससे मैं बनाती हूँ इनके वस्त्र, और ये सारा सामान जो दिख रहा है आपको, ये गोल्डन वाला कपड़ा, इससे नया बिस्तर बनवा के देना है, और ये कपड़ा जो है इस तरह से कागज़ का जो है इसे डेकोरेशन करना है, तो डेकोरेशन वगैरह और वस्त्र वगैरह की सारी तैयारियां चल रही है जोर शोर से, और आज शायद रात भर चलेगी, पता नहीं, लेट तो होगा ही ये सब करते हुए हम लोगों को। और अभी हम लोग बैठ गए हैं लड्डू बाबू को लेकर, और इनकी झूलन यात्रा की तैयारियों के साथ हम लोगों की भी प्रैक्टिस चल रही है, अगर अच्छा हुआ तो नेक्स्ट ईयर भी हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, साथ सच्चा करेंगे लड्डू गोपाल की।
और जूना यात्रा जो है ये लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी जितने भी कृष्ण भक्त हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है जिसको बरसात के महीनों में मनाया जाता है और होली और जन्माष्टमी के बाद ये भी सबसे बड़ा उत्सव है जो मनाया जाता है विश्व स्तर पर और बलराम पूर्णिमा से पहले ये उत्सव मनाई जाती है और राधा कृष्ण जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी यानी राधा रानी है और श्री कृष्ण दोनों जब झूले में झूलते थे सोने से बनी हुई सुसज्जा वाली झूले में तो उसी वक्त को स्मरण करते हुए ये झूलन उत्सव मनाया जाता है। और हम लोगों के यहाँ कल है, अभी लॉकडाउन में जितना हमसे बन पड़ेगा उतना ही करेंगे लेकिन तैयारियाँ चल रही है और हमारे यहाँ बंगाल में नोदिया डिस्ट्रिक्ट के उसको क्या बोलते हैं मायापुर में बहुत बहुत मतलब एकदम बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है ये उत्सव मायापुर में, ठीक है। और वृंदावन में तो मनेगा ही, अगर मायापुर जाए आप लोग कभी तो जरूर झूलन यात्रा के मजे लेते होंगे आप लोग जरूर, लेकिन मैं कभी जा नहीं पाई हूँ। तो ईश्वर तो सबके दिल में ही बसते हैं, जहाँ आप उनको याद करते हैं वही मायापुर है वही वृंदावन है। तो मेरे लिए मेरा ये घर ही सब कुछ है, यही मायापुर है और यही वृंदावन है। हमारे बंगाल में कल एक गाना बहुत जोर से चलेगा और सब लोग गाएंगे तुम जाओ कुंज सजाओ। और अगर जाएंगे हम लोग वृंदावन की तरफ तो आरती कुंज बिहारी की, और इससे ज़्यादा गाऊँ भी तो कॉपीराइट आ सकता है। तो यही लड्डू गोपाल की जो झूलन यात्रा है उन्होंने अपनी टोपी पगड़ी जो है उतार के फेंक दिया, पसंद नहीं है कैमरा के सामने आना, अपने सुंदर बालों के साथ आएंगे। तो इस तरह से झूलन यात्रा की तैयारी के साथ ही हम लोग आज के इस ब्लॉग को एंड करते हैं और होपफुली आप लोगों का झूलन यात्रा अच्छा जाएगा, मेरा देखते हैं कल कैसा जाता है। और तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम और खुश रहिए अपने हॉबीज के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।